ओके okay, स्टूडेंट्स अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिक्स देखे vector, है वेक्टर डिटर्मिनेंट हमने चेक किए अब हम आ रहे हैं जी डेटा मैट्रिक्स क्या हमारे पास मल्टीवेरिएट क्या है अब मल्टी के की बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन क्या अगर आपने सिंगल वेरिएबल को डिटर्मिन करने सिंगल वेरिएबल की आपने स्टडी करनी है तो आप क्या यूज़ करते हो यूनिवेरिएट और अगर आपके पास मोर देन टू थ्री वेरिएबल्स हो तो इसको मल्टीपल वेरिएबल कह सकते हैं मल्टीवेरिएट नहीं बेसिकली मल्टीवेरिएट हमारे पास क्या होता है सिंगल वेरिएबल के अंदर हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स या डायमेंशन को चेक करते हैं दिस इज कॉल्ड मल्टी मल्टीवेरिएट तो मल्टीवेरिएट हमारे पास बेसिकली क्या है मल्टीवेरिएट एनालिसिस डील विद द स्टडी ऑफ अ वेरिएबल डिटरमिन ऑन मोर देन वन करेक्टरिस्टिक्स यानी मोर देन वन करेक्टरिस्टिक्स को हम मैयर कर रहे हैं और मयर कैसे कर रहे हैं यानी आपके पास वेरिएबल एक है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की हम डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को मैयर कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड द मल्टीवेरिएट सिंगल वेरिएबल यूनिवेरिएट चेक कर लो मोर देन टू वेरिएबल टू और मोर देन टू वेरिएबल्स अब आपके पास हैं सिंगल वेरिएबल के डिटर्मिनेंट सिंगल वेरिएबल है हमने डिटर्मिनेंट सिंगल वेरिएबल को करें बट उसकी डायमेंशन उसकी करैक्टरिस्टिक्स आपके पास डिफरेंट आ रही हैं सिंगल वेरिएबल की तो हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं फॉर एग्जाम्पल पर्सनैलिटी इज अ वेरिएबल पर्सनैलिटी को हम मयर कर रहे हैं अब मयर कैसे कर रहे हैं वो अब उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं कि फिलहाल तो हम देख लेंगे मल्टी वेरिएट क्या है कि पर्सनैलिटी को मयर कैसे कर रहे हैं अब वेरिएबल हमारे पास क्या है पर्सनैलिटी हमने पर्सन देखा हमने कहा कि देखो कितना अच्छा है बट हम उसमें क्या चीज़ देख रहे हैं पर्सनैलिटी को हम मैयर कर रहे हैं दैट कैन बी डिटर्मेंट बाई कलर ऑफ आइज पर्सनैलिटी मयर हो रही है कलर ऑफ आइज उसकी हाइट चेक कर रहे हैं और वो ड्रेसअप कैसे हो रहा है ड्रेस कैसे उसने पहना हुआ है तो इन थ्री वेरिएबल्स को हम मयूर करें बेसिकली वेरिएबल क्या है पर्सनैलिटी और उस पर्सनैलिटी के अंदर हमारे पास डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हमने लिए हैं जिसको हम मयर कर रहे हैं वो करैक्टरिस्टिक क्या है उसका आई कलर उसकी हाइट उसकी ड्रेसअप वो उसका वेट तो ये सारी वैल्यूज़ को हम जब डिटर्मिन करते हैं बेसिकली हमारे पास क्या साइमल्टेनियसली वेरिएबल हम डिटर्मिन कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं साइमल्टेनियस वेरिएबल को यानी सिंगल पर्सनालिटी को मैयर करने के लिए हम डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं तो यूनी में तो जस्ट हाइट हाइट को आप स्टडी कर लो आपने अगर वेट करना है इनकम करनी है तो आप उसको स्टडी कर लो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास साइमल्टेनियसली वेरिएबल को हम स्टडी कर रहे हैं तो मल्टीवेरिएट की कितनी इंपॉर्टेंस है इसमें आप देखो आर दी सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ अ पर्सन ऑन विच दीज आर मयर आर ऑब्जेक्ट अब जितने नंबर ऑफ पीपल हम ले लें यानी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या है नंबर ऑफ पीपल अगर हम सिंगल uh, को मयर कर लें तो उसकी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं कि उसके अंदर पर्सनैलिटी को मैयर करने के लिए हमने आई कलर हाई ड्रेस और देखा है वो बोल कैसा रहा है उसकी उसका एटीट्यूड कैसा है तो इसको हम मयर कर लेते हैं लेकिन जब हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि हम मोर देन टेन या टेन लोगों को हम स्टडी कर रहे हैं तो टेन लोगों को जो हम स्टडी कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड दी नाउ द अनदर एग्जांपल इज द वॉल्यूम ऑफ अ रूम सिंगल रूम के हम वॉल्यूम को चेक करना है कि सिंगल रूम का वॉल्यूम क्या है अब सिंगल रूम के वॉल्यूम में हमारे पास क्या है uh, जिसको हम डिटर्न कर रहे हैं वो इज डिटर्न बाय द लेंथ उस रूम की लेंथ वेर्थ

पर्सनालिटी में हो रही है ये आपके पास हाइट हो गई और ये हमने ड्रेसिंग देख ली ठीक है ये हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ये नंबर ऑफ पीपल हैं जिससे हम ले रहे हैं डेटा कलेक्ट कर रहे हैं टेन ऑब्जेक्ट्स बेशक हम ले लें और वेरिएबल वेरिएबल आपके पास कितने हैं वन टू थ्री और आपने कितने वेरिएबल्स को मयर करने आप कर लो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द डेटा मेट्रिक्स अब टोटल आपके पास कितने है? ये टोटल आपके पास एन क्रॉस पी का डेटा मैट्रिक्स है ठीक है ओ एन यानी कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पी एथ वेरिएबल तो आपको पता है कि हमारे पास रो साइड पे आई है और कॉलम साइड पे हमारे पास जे है जनरल द जनरल एन इन टू पी डेटा मैट्रिक्स विल बी डिनोटेड बाई एक्स और एक्स विच इज इक्वल्स टू दी एक्स एन क्रॉस पी है द एलिमेंट इन रो एंड जीएत कॉलम इज एक्स आई जे दिस इज एक्स आई जे रो कॉलम दिस ऑब्जर्वेशन ऑन वेरिएबल क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन कहा साइड पे और कॉलम साइड पे वेरिएबल है तो हम इसे आयत ऑब्जर्वेशन ऑन दियथ वेरिएबल ले लें इसको हम एक एग्जाम्पल से भी चेक करें फॉर एग्जाम्पल वी हैव सेट ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स ऑप्टेन बाई सर्टन स्टूडेंट्स has a set of variables, the examination and the set of observation the student. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं उनको वो हमारे पास क्या basically, observations है बेसिकली ऑब्जर्वेशन है ऑब्जेक्ट्स जिसे हम कहते हैं और वेरिएबल जो हमने वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं बेसिकली वो अब हमारे पास वेरिएबल क्या है फॉर इंस्टेंट थ्री वेरिएबल्स ऑन फाइव ऑब्जेक्ट थ्री वेरिएबल्स हैं और फाइव ऑब्जेक्ट मीन्स फाइव स्टूडेंट्स हमारे पास आर शोन एज अ फाइव इंटू थ्री डेटा मेट्रिक्स फाइव इंटू थ्री डेटा मेट्रिक्स इन फॉलोइंग टेबल द डेटा मेट्रिक विद फाइव स्टूडेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स वेयर अ वेरिएबल हमारे पास क्या है बेसिकली हम स्टूडेंट्स की अचीवमेंट देख रहे हैं तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या हो गया एक्स वन एज ऑफ ईयर एट एंट्री टू यूनिवर्सिटी उसकी एज हमने चेक कर ली एक्स टू अब सिंगल स्टूडेंट की बात हो रही है एक्स टू मार्क्स आउट ऑफ हंड्रेड इज एन एग्जामिनेशन एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मार्क्स हमने उसके फर्स्ट ईयर के चेक कर लिए एंड एक्स थ्री इज जेंडर कि उसकी जेंडर क्या है अब आप ये देखो वेरिएबल कहाँ है कॉलम में और ऑब्जर्वेशन जिससे हमने डेटा कलेक्ट किया वो किस साइड पे रोज में तो फर्स्ट हमारे पास वेरिएबल क्या है फर्स्ट हमारे पास है उसकी एज जब वो यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहा है तो यह हमारे पास एज आ गई है सेकेंड क्या है मार्क्स ऑफ्ट जो उसने फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स लिए वो हमारे पास सेकेंड वेरिएबल आ गया एंड थर्ड वेरिएबल जेंडर अब जेंडर को हमने फर्दर किया है कि वन किस को इंडिकेट रहा है फॉर मेल एंड जीरो इंडिकेट कर रहा है फॉर फीमेल यानी कि आपके पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ डेटा है तो ये डेटा मैट्रिक्स में हम उसको कैसे अरेंज किया है कि वेरिएबल ऑन दी कॉलम साइड एंड ऑब्जर्वेशन ऑन द रो साइड तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डेटा मैट्रिक्स अब नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देखो अगर वेरिएबल हमारे कॉलम में थे और ऑब्जर्वेशंस में हमारे पास रोज थी रोज हमारी ऑब्जर्वेशंस में थी अब हम उसका रिवर्स कर करें अब हमारे पास क्या है ऑब्जर्वेशन्स कॉलम में है और वेरिएबल्स रो रोसाइट पे है तो फिर हमारे पास कैसे उसको हम फर्दर अनालिस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेरिएबल्स कॉलम में है तो फिर हमारे पास मीन वैक्टर कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होगी और अगर वेरिएबल हमारे पास रोज में है तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं तो इसको हमने जरूर चेक करना है द डेटा मेट्रिक्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न विद वेरिएज रोज अवेरिएबल रोज साइट पे एंड ऑब्जेक्ट एज कॉलम ऑब्जेक्ट यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पीपल जो हम ले रहे हैं उसके अलावा भी कोई और हम रख सकते हैं ऑब्जेक्ट तो वो हमारे पास अब कॉलम में है द रोज आर जनरली डिनोटेड बाय एक्स आई वन एक्स आई वन एक्स आई टू Up टू सो ऑन एक्स आई एन अच्छा ये तो आपके पास है पूरा मैट्रिक्स मुझे यहां से एक वेक्टर पिक करना है तो वो अब मैं देखो यहां पे कैसे पिक करूंगी ये हमारे पास जो है ना ये टोटल ये मैंने फर्स्ट अगर वेरिएबल्स का ले लिया ये मेरे पास एक वेक्टर बनेगा किसका वेक्टर बनेगा वो वेक्टर की डायमेंशन क्या है हमारे पास वो वेक्टर है फर्स्ट रो और कितनी ऑब्जर्वेशन है उसमें एन ऑब्जर्वेशन है तो ये किसका वेक्टर बना वन इंटू एन वन इंटू एन का हमारे पास ये एक वेक्टर बन गया अच्छा प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो यहां पे हमारे पास क्या है अगर मुझे इस मैट्रिक्स में से वेक्टर पिक करना है तो वेक्टर आपके पास क्या होगा ये यहां पे कॉलम वेक्टर होगा ये पूरा कॉलम अगर मैं पिक करी तो ये मेरे पास वेक्टर होगा ठीक है ये क्लियर हो गया आपको कि ये आपके पास क्या हो गया अगर मुझे एक वेक्टर पिक करना है तो ये रो साइड पे वेरिएबल जिस साइड पे है ना तो मैंने वेरिएबल के साइड के अकॉर्डिंग वेक्टर पिक कर लिया सेम वो प्रीवियस एग्जाम्पल है तो प्रीवियस एग्जाम्पल को मैंने बस उसको रीअरेंज किया कि ऑब्जेक्ट्स कॉलम में है ठीक है और वेरिएबल्स रो साइड पे हैं तो इसको मैंने अरेंज कर लिया कि वेरिएबल रो साइड पर अगर मुझे वेक्टर लेना है तो ये मैं पूरा वेक्टर स्टडी करूँगी और आप देख रहे हो कि हमारे पास साइमल्टेनियसली हम वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं तो ये आपके पास मल्टीवेरिएट एनालिसिस में से आपके पास मेन क्या हो गया डेटा मेट्रिक्स के हम उस डेटा को अरेंज कैसे करें वेरिएबल्स रो साइड पे ले रहे हैं या वेरिएबल्स हम कॉलम साइड पे ले रहे हैं तो डेटा मेट्रिक्स हमारे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है कि डेटा मेट्रिक्स के बाद हम फर्दर आगे अनालसिस करेंगे